गांव, हमारा देश गांव का देश है और गांव में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी भ्रष्टाचार है। गांव अगर सुधरेगा तो देश जरूर सुधर जाएगा। विकास की रूपरेखा गांव से शुरू होती है और गांव में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव था, आप देखिए कितना हो हल्ला से हुआ, बहुत सारे पैसे हुए, बहुत सारे प्रलोभन किए गए, क्या क्या बांटे गए, क्या क्या दिए गए, ये किसी से छुपा नहीं है। ये नेता भी जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानता है, शासन भी जानता है। आज शासन की कथनी और करनी में जो फर्क है वो किसी से छुपा नहीं है। हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं। सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जब आदमी अपना काम कराने के लिए जाता है तो पता चला सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। ये सरकार की कमी है कि जनता की कमी है? जनता दूर से आता है अपना काम कराने के लिए कि नहीं मैं जा रहा हूँ, हाँ मेरा काम होगा। जनता दूर से आता है, उसको पैसे की ज़रूरत है कि नहीं मेरा पैसे रुके हैं और मुझे बैंक से पैसे इतने मिल जाएंगे तो मैं अपना काम कर लूँगा। गया बेचारा, पता चला कि बैंक में सर्वर डाउन है। उनके तहत जो RTI एक्ट की धारा 6(1) होती है उसके तहत हम एक आवेदन करते हैं कि 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं या फिर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर या 10 रुपये की नोट लगा करके हम किसी भी कार्यालय से, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अगर सूचनाएं हमको नहीं मिलती हैं तो हम उसके आगे जाते हैं, फर्स्ट अपील करते हैं। जिस विभाग से सूचना मांगी जाती है उसका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होता है वो उसका प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, उससे हम सूचना मांगते हैं। अगर वो भी नहीं देता है 30 दिन के अंदर तो हम सेकेंड अपील करते हैं आयुक्त के यहाँ। अगर राज्य सरकार से है तो राज्य सूचना आयोग में हम अपील करते हैं सेकेंड अपील, और केंद्र सरकार से है तो केंद्र सूचना आयुक्त के यहाँ अपील करते हैं। पहले एक शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 था जिसके तहत हम कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर मांगते थे सरकारी कार्यालय से तो हमको दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी हमारे ऊपर। अच्छा, ये चूंकि देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र बना, इस डेमोक्रेसी में जहाँ आम जनता को मालिक का दर्जा दिया गया, कि मालिक का होता है फर्ज होता है कि हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से सारी व्यवस्था चलती है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, सारी व्यवस्था उस टैक्स के पैसे से चलती है। तो अगर टैक्स के पैसे से चलती है और हमारे जनता के पैसे से चलती है तो जनता का पैसा है तो जनता को हिसाब लेने का अधिकार तो है। यह है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2005 की धारा 2J1 2J3 के तहत, उसमें आप घर बैठे आप उनसे कहिए कि हम फला फला आपके कार्यालय का निरीक्षण करने आएंगे, हमको देखना है कि फला फला डॉक्यूमेंट कहाँ है, आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखिए, हम आपके कार्यालय का निरीक्षण करने आएंगे। निरीक्षण के दौरान आप कहाँ पे हमको दस्तावेज अवेलेबल कराओगे बताओ, वहीं पे आ जाते हैं। ये उनका दायित्व होता है कि वो अपने कार्यालय पे बुला लें या कहीं और बुला लें कि भैया ये आ जाओ, ये दस्तावेज हमारे पास है, आके निरीक्षण कर लो। आपको पैसे नहीं देने, आप निरीक्षण करो, निरीक्षण करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए 2 रुपये प्रति कापी के हिसाब से, फोटोकॉपी के हिसाब से आप उनको पे करेंगे, आप फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। कांग्रेस की सरकार, काफ़ी संघर्ष के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, पुलिस के डंडे खाए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, मैं भी उसमें शामिल था, अरुणा राय थी, संदीप पांडे, मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे, ये सारे लोगों ने मिल करके, मैं भी मूवमेंट में शामिल था, जगह जगह जाता था लोगों से। अरविंद केजरीवाल जी थे, वो भी दिल्ली में RTI को लेकर के काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया, कई मामलों को उजागर किया। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बातचीत करने जा रहा हूँ। जिस मुद्दे पे बात होगी वो मुद्दा क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। 2005 में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको हम लोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में RTI एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत तमाम तरीके के प्रावधान दिए गए जिससे हम बहुत सारे विभागों के द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों का लेखा जोखा ले सकते हैं, किसी की विभाग की जानकारी ले सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हुआ, सरकार की क्या योजनाएं थी, उसमें कितना काम हुआ, कितना बाकी, इस तरह की जानकारियाँ उसमें ले सकते थे। ये कानून एक क्रांतिकारी कानून के तौर पे सामने आया, लोगों ने इससे बहुत सारे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले भी उजागर किए। वो कानून कितना प्रभावी है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो सारी जानकारी है वो मैं खुद नहीं दूंगा आपको,
इस काम के लिए हमने आज आमंत्रित किया है। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, यानी कि वो इस काम को बेहतर तरीके से करते हैं, कैसे होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस कानून में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो देर ना करते हुए आइए मैं उनसे आपको मुखातिब कराता हूँ। नाम है उनका सब जेपी सिंह कहते हैं, जयप्रकाश सिंह हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। आपने अपने क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे मामलों में आरटीआई वगैरह लगा करके लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई और तमाम तरह के लेखा जोखा लेने का काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले सर एक चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है देश में बहुत सारा, उसको कैसे जाने, कैसे पकड़ें। तो जो ये कानून बना 2005 में आरटीआई एक्ट, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी कहा जाता है, वो कितना प्रभावी है और कितना वाजिब है, ज़रूरी है कि इसके थ्रू से सारी चीज़ों का पता चल सकता है कि भ्रष्टाचार को कैसे हुआ या ये खेल कैसे हुआ। हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे आपको जी। यह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में काफ़ी संघर्षों के बाद बना यह कानून। इससे पहले एक शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 था, जिसके तहत हम कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर मांगते थे सरकारी कार्यालय से तो हमको दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी हमारे ऊपर। अच्छा। ये चूंकि देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र बना, इस डेमोक्रेसी में जहां आम जनता को मालिक का दर्जा दिया गया, कि मालिक का होता है फ़र्ज होता है कि हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से सारी व्यवस्था चलती है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, सारी व्यवस्था उस टैक्स के पैसे से चलती है। तो अगर टैक्स के पैसे से चलती है और हमारे जनता के पैसे से चलती है, तो जनता का पैसा है तो जनता को हिसाब लेने का अधिकार तो है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में हम मालिक हैं। एक मजदूर अगर काम करता है हमारे खेत में तो मैं उससे हिसाब किताब लेता हूँ, कितना काम किया, कितना नहीं किया, कितना वेजेस देना चाहिए, उस हिसाब से मैं तय करता हूँ, तो इस डेमोक्रेसी में। लेकिन ऐसा नहीं था, काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी सामाजिक संगठनों ने संघर्ष किया। पहली बार मोटा मोटा कुछ आंकड़ा हो कि कब ये बात अस्तित्व में आई या सामने आई कि हाँ इन चीज़ों का भी हिसाब लेना चाहिए। नहीं, अस्तित्व में तो बहुत पहले से आई थी जो है, लेकिन संघर्ष भी इतना होता रहा जो है, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक, यूपी में भी काफ़ी स्टेट ने संघर्ष किया, लेकिन कोई सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस की सरकार, काफ़ी संघर्ष के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, पुलिस के डंडे खाए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, मैं भी उसमें शामिल था, अरोड़ा राय थी, संदीप पांडे, मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे, ये सारे लोगों ने मिलकर के, मैं भी मूवमेंट में शामिल था, जगह जगह जाता था लोगों से। अरविंद केजरीवाल जी थे, वो भी दिल्ली में आरटीआई को लेकर के काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया, कई मामलों को उजागर किया। तो इस तरह के जब लोगों ने संघर्ष काफ़ी किया और लोगों को लगा कि नहीं, अब नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला है, तो सरकार को मजबूर होकर के यह कानून पास करना पड़ा। उसके बाद मनरेगा एक्ट बना। तो अब ये होता है कि हम जो भी खरीदते हैं, जो भी खाते हैं, एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं, तो सरकार को टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, तो मेरा पैसा, मैं उसका हिसाब मैं ले सकता हूँ। इस कानून के तहत जो आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) होती है, उसके तहत हम एक आवेदन करते हैं कि 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं, या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं, या फिर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर या 10 रुपये की नोट लगा करके हम किसी भी कार्यालय से, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अगर सूचनाएं हमको नहीं मिलती हैं तो हम उसके आगे जाते हैं, फर्स्ट अपील करते हैं। जिस विभाग से सूचना मांगी जाती है उसका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होता है वो उसका प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, उससे हम सूचना मांगते हैं। अगर वो भी नहीं देता है 30 दिन के अंदर तो हम सेकेंड अपील करते हैं आयुक्त के यहाँ। अगर राज्य सरकार से है तो राज्य सूचना आयोग में हम अपील करते हैं सेकेंड अपील, और केंद्र सरकार से है तो केंद्र सूचना आयुक्त के यहाँ हम अपील करते हैं 19(1)(2) के तहत, धारा 19(1)(2) के तहत। धारा 19 है आरटीआई एक्ट 2005 की, धारा 19(1) के तहत हम जो है करते हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हम सूचना तो हमको कहाँ से मांगनी, हम कहाँ मांग दिए, तो ऐसा भी सर, बीच में अमेंडमेंट हुआ था कि आप सूचना कहीं से भी, मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत की सूचना मांगनी है खंड विकास अधिकारी से, तो आपने भेज दिया बीएसए को, तो बीएसए को भेज दिया, तो बीएसए का ये दायित्व तो बनता है कि धारा 6(3) के तहत, उसमें है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3), जिसके तहत उनका यह दायित्व तो बनता है कि वो संबंधित विभाग को देते हुए 5 दिन के अंदर में उस प्रार्थी को, उस आवेदक को अवगत कराएंगे कि नहीं आपकी सूचना फला कार्यालय से संबंधित थी, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया है। इस कानून बना, कानून से बहुत सारे मुद्दे उजागर हुए, कुछ बातें इसमें आई
कि जैसे 30 दिन के अंदर हम सूचना मांगते हैं, 30 दिन के अंदर हमको नहीं मिलती है, क्योंकि जब किसी की पोल खुलती है तो उसको बड़ी हैरानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। डॉक्यूमेंट आपने मांग लिया, डॉक्यूमेंट आपने ले लिया, और अब जब देखना कि अरे ये फला के घर से फला के खेत तक ये नाली निर्माण का कार्य है, फला के खेत से फला के खेत तक ये चक्रोड का कार्य है, ये तो हुआ ही नहीं, इस पे पैसा उठा लिया गया है जो है। फला मजदूर तो कोई काम ही नहीं करता, वो तो विदेश में रहता है, वो तो घर पे रहता है, उसका मनरेगा जॉब कार्ड बना है, उसके नाम पे पैसा जा रहा है। तो जब ये सब बातें आई और लोगों ने जब पूछा तो निगेटिव रिजल्ट आए, और जो मुखिया था, वो चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, तो जब उनको लगा कि नहीं ये तो हमारी पोल खुलने वाली है, तो वो लोग तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं, मनाने जनाने की कोशिश करते हैं, उनके नाते रिश्तेदारों के द्वारा, उनके घर के द्वारा, यहाँ तक कि प्रलोभन भी देते हैं। प्रलोभन से बात नहीं बनती तो धमकी भी देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। कई हत्याएं हुई हैं, मुझे भी बहुत सारी धमकियां मिली हैं, मैंने भी झेला इस चीज़ को जो है। बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, मैं एक दो जगह मार भी खाया हूं, और उस आरटीआई को लेकर के जो है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो जोश लगा रहा, मैंने काम किया। बीच में कुछ काम रुका था, अब मैं फिर पुनः उस पर शुरू करने वाला हूँ, इस हिसाब से अधिक जनता में जा करके लोगों को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति अवेयर करना जो मेन दायित्व है, उसको मैं लोगों को अवेयर करूंगा। होता क्या है, अभी देखिए जो चुनाव, अभी पंचायत स्तर का चुनाव हुआ, पंचायत स्तर के चुनाव में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन अगर जो चुनाव जीता है, विपक्ष में जो होता है उसका काम होता है कि वो विरोध करे, गलत कार्य होता है उसका विरोध करे, विरोध होता है तो विकास होता है, लेकिन वहाँ विरोध नहीं होता है, वहाँ जनता को केवल गुमराह किया जाता है, और बस ये सेटिंग होती है कि मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा, आपके दफा नहीं बोलूंगा, आप मेरे लिए नहीं बोलोगे, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। यानी कि हम जिसको विरोध में लेके आते हैं वो भी कमोबेश पहले जैसा ही होता है, पहले जैसा ही होता है, गुमराह जनता होती है, और जनता का भी थोड़ा सा कष्ट है इसमें, प्रलोभन में आकर के इनके इन प्रकार लोग अपने वोट का दुरुपयोग भी कर देते हैं। फिर भी जो एक डेवलपमेंट का जो काम होता है सही दिशा में तभी होता है जब हम जागरूक होंगे। आपने अवेयरनेस की बात की, उसके पहले मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल ले लेना चाहता हूं आपसे, उस पर भी हम बात करेंगे अवेयरनेस पे कि कैसे आप करेंगे, या पहले भी कुछ इस तरह के प्रयास हुए हैं क्या? और जैसे आपने कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की आप जानकारी ले सकते हैं, तो बहुत बार जैसे आपने भी बताया कि धमकी पहले समझाते हैं, मनुहार करते हैं, पैसे का प्रलोभन देते हैं, नहीं माने तो धमकी देते हैं, अपहरण होता है, हत्या होती है, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टिविस्टों की हत्या हुई है। बहरहाल आपने बताया कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की आप जानकारी ले सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसकी आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, उसके बारे में भी बता दें, ताकि जो आरटीआई में या इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करने में इंटरेस्ट रखते हैं वो पहले से सतर्क रहे कि हमको इन चीज़ों की जानकारी नहीं मिल सकती, तो वो समय व्यर्थ ना करें। जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो चीज़ गुप्त रखी जाती है, जैसे देश की अखंडता और प्रभुता का जहाँ पर सवाल हो, क्रिमिनल केसेस हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसपे आप मांग नहीं सकते। अगर मांग भी देते हैं तो कोई अपराध नहीं करते हैं, वो लिख करके जवाब आ जाता है कि यह चीज़ें धारा 8 के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि इस पर रोक लगी है। पहले तो जैसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं, पहले जैसी दंडात्मक कार्रवाई हो जाती, क्यों मांग दिया आपने जो है, ऐसा नहीं है, आपको आपको लिख करके जवाब आ जाता है जो है, इसमें नहीं दिया, हाँ नहीं दिया जाता, मोस्टली जवाब नहीं मिल पाते हैं लोगों को। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रक्रिया है सरकार में, सरकार ने जो अमेंडमेंट किया, करना क्या था, किए क्या लोग, अमेंडमेंट तो इस बात का होना चाहिए कि जो हम फर्स्ट अपील करते हैं 30 दिन का सीमा होता है, 30 दिन के अंदर नहीं मिलता तो हम सेकंड अपील करते हैं, उसका 3 महीने से लेकर 9 महीने तक समय सीमा है। अब आप ही बताइए कि 9 महीने तक वो प्रार्थी चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा, 9 महीने में तो क्या से क्या हो जाता है, तो समय तो सरकार को और कम करना चाहिए कि ये गंभीर मुद्दा है और सूचना मांगने की बात है। ये लोकतंत्र में एक मालिक अपने नौकरशाहों से सूचना मांग रहा है, सूचना जितना जल्दी हो दे दें, लेकिन नहीं, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है कि नहीं आप सांसद की नहीं मांग सकते, विधायक की नहीं मांग सकते, फला नहीं मांग सकते, ये तो ये मैं क्या कह सकता हूँ कि सिर्फ नौकरशाही अपने लिए, अपने फायदे के लिए कानून बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही नौकरशाही अपने के लिए कानून बनाते हैं, इस तरह का अभी जो कानून बना उनको पता था कि इस तरह का कानून अगर सख्ती से पालन हो गया तो हम लोगों की पोल खुल जाएगी, हर कोई घर बैठे सूचना मांग लेगा, हर की कोई जानकारी ले लेगा, तो हमारी जब पोल खुलेगी तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमारी जो कमाई होती थी, ब्लैक मनी थी, वो तो मिल नहीं पाएगी जो है। तो लोगों को लगा बिल्कुल ये ख़त्म होना चाहिए, अब कोई भी सरकार इसके लिए मजबूत तरीके से तैयार नहीं हो रही है। इसमें अब जो भी कानून बना उसी में जनता अगर अच्छे से जागरूक हो जाती है तो गाँव का, शहर का, क्षेत्र का विकास होगा। एक सबसे बड़ी कड़ी है कि जो गांव
हमारा देश गांव का देश है और गांव में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी भ्रष्टाचार है। गांव अगर सुधरेगा तो देश जरूर सुधर जाएगा। विकास की रूपरेखा गांव से शुरू होती है और गांव में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव था, आप देखिए कितना हो हल्ला से हुआ, बहुत सारे पैसे हुए, बहुत सारे प्रलोभन किए गए, क्या क्या बांटे गए, क्या क्या दिए गए, ये किसी से छुपा नहीं है। ये नेता भी जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानता है, शासन भी जानता है। आज शासन की कथनी और करनी में जो फर्क है वो किसी से छुपा नहीं है। हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं। सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जब आदमी अपना काम कराने के लिए जाता है तो पता चला सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। ये सरकार की कमी है कि जनता की कमी है? जनता दूर से आता है अपना काम कराने के लिए कि नहीं मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम होगा। जनता दूर से आता है, उसको पैसे की ज़रूरत है कि नहीं मेरा पैसे रुके हैं और मुझे बैंक से पैसे इतने मिल जाएंगे तो मैं अपना काम कर लूँगा। गया बेचारा, पता चला कि बैंक में सर्वर डाउन है। ऑनलाइन कुछ करवाने के लिए गया, पता सर्वर डाउन है। तो ये सर्वर डाउन सरकार का काम है ना, क्यों सर्वर डाउन हो रहा है आपका? क्या व्यवस्था बना रहे हैं, कितना बचा लेंगे आप उससे? ये समझने की बात है। आज भी कुछ ऐसी सरकारें हैं जहां सर्वर डाउन नहीं होता, आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, वो देखिए विकास की रूपरेखा तय करते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे जनप्रतिनिधि गड़बड़ हैं, लेकिन मोस्टली अधिकांशतः करीब 80% लोग करप्ट हैं। तो 80% करप्ट है, उसके साथ गांव की जनता अगर जागेगी तो होगा। मेन मुद्दा है अवेयरनेस का, जागरूकता का, कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उस पर मैं आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी एक शब्द में, क्या पीएम केयर्स इस आरटीआई एक्ट के अधीन आता, क्या उनसे जानकारी ली जा सकती है? क्योंकि इस पर बड़ा हो हल्ला मचा था कि पीएम केयर्स फंड में इतने सारे पैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ जानकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो कहते थे कि एक एक रुपये का हिसाब देना होगा, लेना होगा, कि जनता का पैसा है। फिर सुनने में आया कि नहीं, सरकार जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उन्होंने पीएम केयर्स फंड बनाया, उसकी जानकारी देने में आना कहने, तो क्या वो नहीं आता इस? बिल्कुल दायरे में आना चाहिए, उस पर अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, अभी सही तरीके से अभी लागू नहीं हुआ है। और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग भी हैं उसमें, अभी कोरोना की वजह से और सारी उसके वजह से हम लोग अभी शांत बैठे हुए हैं कि हम लोग कहाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर आवाज़ उठेगी। अभी एक जो हम लोगों की मीटिंग होती है, बातचीत होती है कि नहीं इस मुहिम को और तेज़ करने के लिए इस पर बात उठेगी। अब कोरोना के कारण जगह जगह रोक लगी है, सारे कार्य को हम कर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग अभी शांत हैं, बैठे हैं, और जब भी ये मौसम खुलता है, साफ सुथरा होता है, तो इस पर हम लोग जरूर आवाज़ उठाएंगे। ये सारा काम जनता का है, अरे जनता का पैसा तो गया है कोष में, ये और कहाँ से आया है, कहाँ से भंडारा भरे होगी अपना। रही बात पीएम साहब की, शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में उन्होंने, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है इस तरह की एक्टिविटी में। अभी किसान आंदोलन देख लीजिए, बहुत सारे मुद्दा हैं देख करके, बड़ा कष्ट होता है। आज किसान परेशान है, अपना अनाज पैदा हो गया, कहाँ पे बेचे जो है, औने पौने दाम में यहाँ के जो छोटे मोटे साहूकार हैं सबको लोग बेच रहे हैं, तो ये सुधार कैसे होगा? तो खरीद केंद्रों पे बहुत सारी विसंगतियां हैं, कमियां हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, अब महत्वपूर्ण सवाल ये है मेरा कि जैसे कोई कानून बनता है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी कराई जाती है, लोगों को नियुक्त किया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है कि इस तरीके से काम करना है, तो क्या ऐसा कोई ट्रेनिंग वगैरह भी होता है जिससे अगर कोई युवा समाज से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आप जैसे लोगों के साथ आता है या स्वतंत्र होकर के काम करना चाहता है तो उसको कहीं से ट्रेनिंग दिलाया जाए ताकि उसे भी जानकारी हो कि किस किस स्टेज में जाके कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई ट्रेनिंग सरकार की तरफ से नहीं दिलाई जाती इसमें, जबकि ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि इतना बड़ा अच्छा कानून बना है तो कम से कम जगह जगह लोगों को ट्रेनिंग दिलाई जाए, लोगों को बताया जाए। हम लोग खुद कैंप लगाते हैं, उन सब संबंधित अधिकारी को बुलाते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं और बताते हैं कि नहीं आरटीआई एक्ट है पास हुआ, वो लोग अपने मुख से भी कुछ बताते हैं, लेकिन ये सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है कि अपने जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको गांव-गांव में भेज करके इस तरह का कैंप लगा करके लोगों को बताया जाए कि अब कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, आप घर बैठे ये सूचना इस तरह से मांगिए, इस तरह से मांगिए, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि उनकी और सरकार की मिलीभगत होती है।
बहुत सारे ऐसे आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता होगा, निपसेड वगैरह जैसे संस्थाएं हैं, और जैसे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जागरूक किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है दिल्ली में बुला करके, अन्य मामलों में दिया जाता है, घरेलू हिंसा को कैसे रोकें या किस तरह से लोगों की मदद करें, भुखमरी पे कैसे काम करें, लोगों की कैसे मदद करें, सारे चीज़ों पे किया जाता, तो फिर RTI पे क्यों नहीं किया जाता? अब ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है, और भी जितने भी एनजीओ हैं जो RTI एक्टिविस्ट, उनको आवाज़ उठाना चाहिए इस पर। नहीं, आवाज़ उठती है, आवाज़ उठती है, लेकिन आवाज़ कहाँ तक जाएगी? मेरा कभी एक मित्र है इरशाद अली, जो है मिर्जापुर में RTI से काफ़ी अच्छा काम किया उसने, बहुत सारे मदरसों का, बहुत सारे विद्यालयों की उसने पोल खोली कि बिना रजिस्ट्रेशन के सब विद्यालय चल रहे हैं धड़ाधड़। डोनेशन उनको इतना ज़्यादा डोनेशन उनको मिला है, पूछ लीजिए, बिना रजिस्ट्रेशन का उनको डोनेशन मिल गया है। क्योंकि जो निधि होती है जनप्रतिनिधियों की, उसको उसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है आप देख लीजिए, सेटिंग होती है भैया 50% 60% उनको चाहिए, ले जाओ निधि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ले जाओ, उनको 60% उनके जेब में होना चाहिए। इस तरह का बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं। संघर्ष का पक्ष होता है कि संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार अगर करेगी तो सरकार और उनके अनुयायियों की पोल खुलती है, इसलिए सरकार इसको मजबूती से नहीं लाती है। सरकार अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लेकर के अगर संवेदनशील हो जाए, जगह जगह कैंप के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा खुद सिखाया जाए, तो बिल्कुल इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता। अब मैं बता दूँ, ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है या खंड विकास अधिकारी होता है, इनका दायित्व तो होता है कि ये गांव-गांव जाकर कहें, अगर इनको निर्देश मिलता है तो ये जरूर जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे कैसे, क्योंकि इनकी तो मिली भगत है, प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी का चोली दामन का साथ होता है, मिली भगत होती है, दोनों गुटुरगु आपस में करते हैं, खाते खिलाते हैं, जो है उसमें वीडियो भी संबंधित होता है जो है। तो अब वो जिस चीज़ को खाते उसी चीज़ को बताएंगे कैसे, कि मैं कैसे खाता हूँ, कैसे पकड़ोगे, नहीं बताते हैं लोग। तो ये जो NGOs हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये खुशी मिलती है कि जब जब इस तरह की बातें आती हैं, सामाजिक संगठन आम जनता मिलकर के इस तरह का अवेयरनेस की बात करते हैं, और सरकार को करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है, आगे भी इस तरह की मुहिम छेड़ी जाएगी। और हम लोग आपस में बात करते हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं आपस में मिलकर के कुछ इस तरह का नया करने की हम लोग सोचते हैं और करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात थी इसमें जो है, अभी सूचना मांगने पर जो आनाकानी होती है, इसमें एक अच्छा एक्ट दिया है, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2005 की धारा 2J1 2J3 की तहत, उसमें आप घर बैठे आप उनसे कहिए कि हम फला फला आपके कार्यालय का निरीक्षण करने आएंगे, हमको देखना है कि फला फला डॉक्यूमेंट कहाँ है, आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखिए, हम आपके कार्यालय का निरीक्षण करने आएंगे, निरीक्षण के दौरान आप कहाँ पे हमको दस्तावेज अवेलेबल कराओगे बताओ, वहीं पे आ जाते हैं। ये उनका दायित्व होता है कि वो अपने कार्यालय पर बुला लें या कहीं और बुला लें कि भैया ये आ जाओ, ये दस्तावेज हमारे पास है, आके निरीक्षण कर लो, आपको पैसे नहीं देने हैं, आप निरीक्षण करो, निरीक्षण करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए 2 रुपये प्रति कापी के हिसाब से, फोटोकॉपी के हिसाब से आप उनको पे करेंगे, आप फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। मैंने भी इस तरह का काम किया, लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव वे में जाके करते हैं। थाने पे कोई गरीब दबा कुचला पीड़ित प्रताड़ित जाता है तो उसको दुत्कार के भगा दिया जाता है, अमूमन 70% केसेस ऐसे आते हैं। सरकारी कार्यालयों में इस तरह की बात आती है कि जो बड़े अधिकारी हैं जनता को पैर की जूती जैसा समझते हैं, कोई थप्पड़ मार देता है चलते हुए राह में जनता को, कोई जाके DM शादी में हड़कंप मचा देता है और तोड़फोड़ कर देता है, मारपीट करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराता है, तो क्या इस तरह के परिवेश में सारी चीज़ें संभव है कि एक आदमी किसी कार्यालय का निरीक्षण कर पाएगा, संबंधित अधिकारियों से डिटेल ले पाएगा? जी बिल्कुल, कठिनाइयाँ होती है, और एक ये कहूँ कि आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया जो है, मेरे ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, आज मैं आपके बीच में हूँ। मैं T-State में असिस्टेंट मैनेजर था असम में, मैं एक थाने पे पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति रो रहा था, गरीब था, उसकी मंडई को जो है तो जबरदस्ती उनके पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया था, मैंने रो रहा था व्यक्ति उसको लिवा के थाने पर गया, और थाने पे लिवा के गया तो मुझसे मेरा परिचय पूछा गया कि आप कौन है क्या करते हैं, मैंने बताया, उन्होंने पूछा फला को जानते हो, फला को जानते हो, मैंने कहा नहीं जानता हूँ। उन्होंने जो SI महोदय थे उन्होंने 2 डंडा मुझे लगाया और अपने सिपाहियों के द्वारा मुझे बाउंड्री के बाहर कर दिया। मैंने देखा कि ये लोकतंत्र है, ये ऐसा होता है, क्या सिस्टम है यहाँ का, मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर मैंने स्टडी किया और मैंने अच्छे अच्छे संगठनों से मिलना शुरू किया, मैंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ करके मैंने सोशल वर्क किया, ह्यूमन राइट्स के बैनर तले बहुत सारे मैंने काम किए, बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे अवार्ड भी मुझे मिले। फिर मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी छोटी सी है,
जाना तो एक दिन सबको है, कब जाना है पता नहीं, तो जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, मरेंगे भी तो शान से मरेंगे और देश और समाज के प्रति अच्छा काम करेंगे। और जब तक इस तरह की भावना होती है लोगों के अंदर, और इस तरह की भावना को जगाना पड़ेगा लोगों के अंदर, जब इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर आएंगी तो निसंदेह अमेंडमेंट होगा, सुधार होगा, अच्छी दिशा में जो कदम होगा वो आगे बढ़ेगा। एक चीज़ और मैं कोट करना चाहूँगा इसमें, शहर के एक जाने माने प्रतिष्ठित आरटीआई कार्यकर्ता हैं पत्रू राम विश्वकर्मा, आप भी जानते होंगे उनको, वो भी तमाम तरीके की आरटीआई वगैरह मांगते थे और लगाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके बेटे को इतना बुरी तरह से स्कूल जाते वक्त मार के फेंक दिया गया था, मरा हुआ समझ करके। लेकिन आपने जैसे कहा कि जाना सबको है, मरना सबको है, अपने तक बात आती है तो ठीक है, लेकिन जब बात बच्चों तक आ जाए, परिवार के लोगों तक आ जाए, तो आदमी देख के डर जाता है, फिर कोई समाज से खड़ा होकर इस साहस से नहीं बोल पाता है कि हम भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ लड़ेंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की बातें आती हैं। और मेरे बाऊ जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो बाऊ जी भी मना मुझे करते थे कि बेटा ऐसी ऐसी बात है मत करो, लेकिन बाऊ जी को जब सत्य का आभास हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा ये अच्छा काम है, जाना तो सच ही बात है, सबको जाना है, लेकिन तुम अच्छा कार्य करो, अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह का अगर घर वालों का सपोर्ट और समर्थन अगर मिलता है तो काफ़ी एनर्जी होती है। मुझे भी कभी कभी डर लगता है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, और अगर उन पर कोई आँच आती है तो मैं क्या करूँगा। और निसंदेह इस तरह की बातें ज़रूर आती हैं, लेकिन हम डर तक डर कर जिएंगे। इस पे वो जनता वाली सरकार और जो जनता के नौकर बनते हैं, तथा कथित तौर पे कहा जाता है कि जनता की सरकार है, जनता ही मालिक है, और जितने नौकरशाह हैं सारे लोग जनता के नौकर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि आखिर कब उनका जमीर जागेगा, कब इस पर प्रभावी कदम उठाएंगे? जागना तो चाहिए। देखिए सारे लोग जानते हैं कि इससे छोटी ज़िंदगी में हम बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं, जानते तो सभी लोग हैं। अब क्या पढ़िए उनको, क्या उनके दिमाग में है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ जो है। और जनता, मेरा यही है कि जनता जागेगी, अपना सिस्टम चुनेगी, जागो जनता बदलो सिस्टम। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक विकास नहीं होगा। उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं कि हम शांत होकर के अपने घरों में बैठे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कमी है सब में, हर घर को जागना होगा, हर व्यक्ति को जागना होगा, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। और जब तक ये लोग सारे लोग जागेंगे नहीं, कमर नहीं कसेंगे, तब तक विकास की सही रूपरेखा तय नहीं होगी। जनता जागेगी कैसे, इसका कैसे पता चलेगा? जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं, थोड़ा सा हटके सवाल है ये कि जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य की बात हम करें, वहाँ पे अगर कोई पार्टी काम कर रही है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, और लग रहा है कि उसका बहुत भारी विरोध हो रहा है, अब की बार एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 सीट भी नहीं आएगी, दोबारा वो पार्टी सत्ता में आ जाती तो जनता कहाँ जागती, कैसे पता चलता है? देखिए जनता की जो सुरक्षा होती है सरकार की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है, हम सरकार चुनते हैं इस डेमोक्रेसी में। जनता की सोच की मैं बात कर रहा हूँ, जनता जागेगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल जागेगी जनता, जब हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा होगा, हम जनता को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि अच्छा होता है तो जनता को जगाने का काम जनप्रतिनिधि भी करता है, क्योंकि जोश वहीं से मिलता है। हम कमज़ोर क्यों होते हैं? कि हमारे पीछे बैकिंग नहीं है। हम कमज़ोर इसलिए होते हैं कि हमारे पीछे बैकिंग नहीं है, और जब हमको बैकिंग मिलती है तो जैसे जामवंत ने, हनुमान के पीछे जामवंत की बैकिंग थी कि का चुप साधी रहा बलवाना, और हनुमान जी गए सीता का पता लगा लिए। तो बैकिंग हमारे पीछे अगर जनप्रतिनिधियों की है, अच्छे लोगों की है, अच्छे आईएएस आईपीएस की है, तो निसंदेह काम होगा, मजबूती से होगा और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा। बैकिंग अच्छी नहीं है इसलिए हम फेल हो जाते हैं कि भाई जेपी सिंह तो लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जनता को भी तो खड़ा होना चाहिए ना। जेपी सिंह अगर, या जेपी सिंह या अन्य कोई किसी इश्यूज को उठाता है, मिर्जापुर में इरशाद उठाते हैं, पत्रू राम विश्वकर्मा उठाते हैं, आप उठाते हैं, अन्य कोई उठाता है, तो उनको तो ये पता है जनता को कि ये अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, ये तो पूरे ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, या ऊपर लेवल जिले लेवल में कोई भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर कर रहे हैं, जिससे सबका डायरेक्टली मतलब जुड़ाव है ना, अपने लिए नहीं उठा रहे, तो जनता खड़ी क्यों नहीं होती, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जनता भी डरती है। मैं एग्जांपल दूं आपको, जो है अभी 2-3 साल पहले जो है मैंने एक आरटीआई डाली थी अपने ही ग्राम पंचायत से, जो है बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, पता चला कि फला मजदूर काम नहीं किया, फला नहीं काम किया है, इस पर मिट्टी फेंकी गई थी, मिट्टी तो फेंकी नहीं गई, सारे लोगों ने मुझे लिखित बयान दिया कि नहीं ये काम सही है। जब अधिकारी जाँच करने के लिए आए, सारे लोगों ने अपने बयान को पलट दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब मिट्टी तो फेंकी गई थी, हम लोग फेंके गए थे, धुल गई, युवा की 2-3 महीने मिट्टी फेंकी गई और बरसात भी नहीं हुआ, मिट्टी धुल के कहाँ जाएगी? लेकिन कहा साहब हम लोग काम किए हैं इस पर, हम लोग मिट्टी फेंके हैं। जो काम नहीं किया तो वो भी कह रहा था मैंने काम किया है,
कोई 14 दिन किया है, कोई 10 दिन किया है, कोई 12 दिन किया है। जागरूकता की कमी है, अपने अधिकारों को जानने की कमी, जागरूकता की कमी है। और जागरूकता तभी आएगी जब लोगों के पीछे एक बैकिंग, मजबूत बैकिंग रहेगी। जेपी सिंह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हौसला लोगों को रहता है कि नहीं, जेपी मेरे पीछे जेपी सिंह खड़े हैं। जब जनता को लगेगा कि मुझे कुछ होगा तो मेरे पीछे जेपी सिंह हैं, जेपी सिंह मेरे लिए कुछ करेंगे। जेपी सिंह को लगेगा कि नहीं, फला आईएएस आईपीएस जेपी सिंह के पीछे है, फला नेता जेपी सिंह के पीछे है, मुझे कुछ होता है तो वो सपोर्ट करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे, मेरा सहयोग देंगे, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। जब तक बैकिंग नहीं होती है तब तक कुछ होता नहीं है। अकेले लड़ाई कब तक कोई लड़ेगा, कब कैसे लड़ेगा जो है। आखिरी सवाल मेरा, अब आपकी भविष्य की तैयारियां क्या है, किस तरह से, क्या जेपी सिंह या जो समाज में अन्य कहीं भी किसी भी शहर में आसपास रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उस क्या आप लोग कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि इस चीज़ से आरटीआई एक्ट की जानकारी अन्य युवाओं को भी दी जाए, जागरूक लोगों को भी दी जाए, ताकि समाज में फैले भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो सके, और ये जो काम करते हैं भ्रष्टाचार का, जो गलत तरीके का काम करते हैं, वो उनके अंदर खौफ पैदा हो सके, इसके लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप भविष्य में अपनी कार्य योजना के बारे में कुछ बताएंगे? जी, बहुत बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जहां पे हूं, मेरे पास आसपास के जो जितने क्षेत्र हैं, मैं जितना विजिट कर सकता हूं, मेरा यह अब दायित्व तो बनेगा, मैं यह काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं कि मैं गाँव में जाऊँगा, गाँव में लोगों को इकट्ठा करूँगा, लोगों से बातें करूँगा, वहाँ से 8-10 जो भी हमको मिलते हैं एक्टिविस्ट, वो हमको मिलेंगे, उनको अपने साथ लूँगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, उनको सिखाऊंगा, बताऊंगा, उनको अवेयर करूंगा, उनके घर से भी मिलूंगा कि ताकि किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर के या किसी तरह के धमकी में आकर के डरे ना। और मैं कोशिश ये करूंगा कि हर गांव से 10-10 लोग अगर हमको मिल जाते हैं मजबूत, तो वह गाँव अच्छी से तरीके से तरक्की करेगा, विकास करेगा। और फिर वही पुराना समय आएगा कि बिना प्रलोभन के गांव के एक अच्छे मुखिया का लोग चयन करेंगे, चुनाव की कोई झंझट ही नहीं रहेगा, अच्छे मुखिया का चयन करेंगे, वो विकास की रूपरेखा को तय करेगा। और किसी भी कानून का सही प्रकार से उसको मतलब एक्टिवेट हो जमीन पे धरातल पे, जो भी सरकार की नियम कानून योजनाएं हैं उसके लिए भी आप लोग उसके प्रति भी हम लोग अवेयरनेस करेंगे। अवेयरनेस हम करते भी थे जो है, अब इसमें थोड़ा सा तेजी लाएंगे कि जो भी सरकार की, चाहे अभी सरकार का एक जनसुनवाई पोर्टल है, उस पर भी काम अच्छा हो रहा है, कभी कभी अधिकारी उस पर भी घुमा फिरा करके सूचना दे देते हैं, लेकिन आप लगे रहिए तो उसमें भी न्याय मिलता है जो है, काफी लोगों को न्याय, काफी लोगों को न्याय मिला है। ये मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि ये अच्छा रूलिंग बनाए, अपना इस तरह का काम करते हैं। कुछ एक मामले सुने गए, अधिकारी घुमा दिए, लेकिन ज्यादातर में नहीं, जैसे बड़े मामले जिसमें फंसने की बात होती है उसमें लोग घुमाते फिराते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं उसकी उसकी सूचना दे देते हैं लोग कि चलो भैया ठीक है जो है। जैसे भी सपोज दैट बात करूं, ग्राम पंचायतों में बहुत सारे ऐसे बेघर हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं 2021 तक मैं सबको आवास दूंगा। आवास मिलने का जो क्राइटेरिया है कि वो 2011 की सर्वे सूची में जिसका नाम है उसी को आवास मिलेगा। अब 2011 की जब सर्वे सूची खोजी गई तो पता चला कि उसमें बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं है, तो नाम नहीं है तो नाम पड़ेगा कैसे? उसके लिए जो जनसुनवाई पोर्टल पे इन्होंने जो शिकायत का एक निवारण का बनाया है वो बहुत अच्छा बना, कि जनसुनवाई पोर्टल पे लोगों ने शिकायत किया कि मैं आवास के लिए पात्र हूँ और मुझे, मैंने ग्राम पंचायत से भी गुहार लगाई, अभी तक नहीं मिला तो मुझे मिलना चाहिए, तो संबंधित विभाग उसका जवाब देता है, अगर नहीं है तो उसका नाम सूची में डाल करके, और जब भी आवास आता है तो वरीयता क्रम में उसको आवास देने की बात उसमें कही गई है। तो ये चीज़ें हैं, और काम तो ग्राम पंचायत का था कि खुली बैठक करके चयन करे, सब कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो अभी कुछ कानून ऐसे बने हैं, कुछ योजनाएं ऐसी बनी हैं जिसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है और दुरुपयोग भी ज़्यादा हो रहा है, जनता जागेगी तो हर चीज़ संभव है, सब कुछ संभव हो सकता है और सब कुछ सही होगा। जनता जागेगी तो हर एक चीज़ संभव है, सब कुछ सही होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। हमने बातचीत किया मानवाधिकार कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट जयप्रकाश जी से, जो काफ़ी पहले से सक्रिय हैं, उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों का उजागर किया और फिर से इन्होंने एक बार कमर कस लिया है कि अपने आसपास के क्षेत्रों से कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को अपने साथ लेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरह से जनता के अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है, किस तरह हमारे जो पैसे हैं उसका दुरुपयोग ना हो, उसको रोका जा सकता है, और जनता की जो सरकार है, जो उसकी परिकल्पना है, उसको कैसे साकार किया जा सकता है, उस दिशा में अब ये काम करेंगे। हमारी दोनों लोगों की बातचीत आपको कैसे लगी उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपके कुछ सवाल होंगे आरटीआई एक्ट से जुड़े हुए या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा।
हम दोबारा उन सारे सवालों को लेकर के जेपी जी से एक और इंटरव्यू करेंगे, एक और मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे आपके उन सारे सवालों की जानकारी लेंगे, उसका जवाब लेंगे, जो निश्चित तौर पे आप लोगों के काफ़ी काम आएंगे। हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खबर अगर अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।